हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पीडीएफ को, लाइन हम स्टार्ट करेंगे। ये बिल्डिंग मटेरियल का एक चैप्टर है लाइन, ठीक है। और जो लाइन से वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन तो आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं रहता है। लाइन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, चांस नहीं लेना पड़ेगा, चांस नहीं लेना है हमको ख़त्म कर। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है लाइन। लाइन के साथ साथ आज हम ना एक चैप्टर और कंप्लीट कर लेंगे इसके साथ साथ, लाइन एंड मोटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये साइकिल जो दिख रही है ना, लाइम चूना मिलता है हम लोग कैसे, लाइम स्टोन से प्राप्त करते हैं हम लोग। लाइम स्टोन का जब कैल्सिनेशन होता है तो उसके बाद क्विक लाइम हमें प्रोवाइड, मतलब क्विक लाइम मिलता है। और क्विक लाइम का जब स्लेकिंग होते हैं, स्लेकिंग के बाद स्लेप लाइम, और उसके बाद फिर कार्बोनेटेड के बाद फिर वो लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो, ये एक साइकिल होती है लाइम की, कैसे मिलता है फिर से वो स्टोन बन जाता है, ठीक है। चलिए, कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? किसी भी लाइम को एयर की उपस्थिति में पकाने या गर्म करने के प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहलाती है, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेंगे, देखिए कैल्सिनेशन क्या है। किसी भी लाइम को एयर की उपस्थिति में पकाने या गर्म करने के प्रोसेस कैल्सिलेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिटी। अब हाइड्रोलिसिटी किसे कहते हैं? किसी लाइम की वायु की अनुपस्थिति तथा पानी के अंदर, वायु ना हो पानी के अंदर, या डैम प्लेसेस पर सेट होने की प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। हाइड्रोलिसिटी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होती है, तो क्या है, पानी के अंदर डैम प्लेसेस पर सेट होने की प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। किसी लाइम की हाइड्रोलिसिटी इसमें उपस्थित क्ले की मात्रा पर निर्भर करती है। ये डिपेंड किस पे करती है? क्ले कंटेंट पर। किस पे? क्ले कंटेंट पर, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम की हाइड्रोलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हाइड्रोलिक लाइम की। सिलेक्ट ऑफ लाइम, जब किसी लाइम में पानी मिलाया जाता है तो पानी के साथ यह लाइम क्रिया करके पाउडर फॉर्म में बदल जाता है, और इस दौरान लाइम में से जो ऊर्जा की निकासी होती है स्लेकिंग ऑफ लाइम कहलाती है, ठीक है। आप समझ गए स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब जो लाइम है उसको क्लासिफाइड करते हैं ब्रॉडली। लाइम आर क्लासिफाइड थ्री टाइप्स। ज़्यादातर हम तीन टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड पुअर लाइम। फैट लाइम क्या है? इस लाइम को हाई कैल्शियम लाइम या प्योर लाइम या रिच लाइम या वाइट लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% तक होती है। कितनी? 95% तक होती है, तथा दूसरी अशुद्धियाँ 5% या उससे कम होती हैं। जब इस लाइम में पानी मिलाया जाता है तो ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 2.3 गुना तक फूल जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है फैट लाइम की? फैट लाइम की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेटिंग इज़ वेरी स्लो, धीमे धीमे सेट कर जाएगा। सेकेंड, स्लेकिंग इज़ वेरी रैपिड, स्लेकिंग जो होता है जल्दी हो जाएगा। कलर परफेक्टली वाइट होना चाहिए। सेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में सेट होना चाहिए ओनली। एंड नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, इसमें जो प्लास्टिसिटी का गुण होता है ज़्यादा होता है, और सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फैट लाइम का यूज़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्ट में, सॉरी, वाइट वॉशिंग में कौन सा लाइम यूज़ करते हैं? दिस इज ए फैट लाइम। कौन सा लाइम यूज़ करते हैं? फैट लाइम, ठीक है। और फैट लाइम का उपयोग प्लास्टर वर्क, पॉइंटिंग वर्क, व्हाइट वॉशिंग आदि कार्यों में किया जाता है। नंबर सेकंड, हाइड्रोलिक लाइम क्या है? ऐसा लाइम जो पानी के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर में भी सेट हो जाता है, मतलब एयर की उपस्थिति में भी सेट हो जाएगा ये पानी के अंदर। हाइड्रोलिक लाइम क्या कहलाता है? इस लाइम की हाइड्रोलिसिटी इसमें उपस्थित क्ले पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम की जो हाइड्रोलिसिटी होती है वो क्ले पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और उसके अनुसार इसको तीन, मतलब थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक फीबली, मॉडरेट एंड एमिनेंटली, ठीक है। जो हाइड्रोलिक लाइम से क्ले की मात्रा होती है 5 से 30% के मध्य होती है। हाइड्रोलिक लाइम में उपस्थित क्ले की मात्रा के अनुसार हाइड्रोलिक लाइम को तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया, वही जो मैंने भी आपको बताया, फीबली, मॉडरेट एंड एमिनेंटली। अब क्ले कंटेंट यहाँ दिया गया है तो ये देखते हैं इसको भी। हाँ देखिए, क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए? फीबली में 5 से 10% होता है, और 11 से 20% मॉडरेट में होता है, और एमिनेंटली में 21 से 30% होता है, ठीक है। इसका स्लेकिंग एक्शन कैसा होना चाहिए? फ्यू मिनट, कुछ मिनटों में ये स्लेक कर जाना चाहिए। जो मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम होता है उसमें क्या होता है, 1 से 2 घंटे लगते हैं, और एमिनेंटली में 1 दिन और उससे भी ज़्यादा लग सकता है,
इसका सेटिंग एक्शन क्या है फीबली का, 3 वीक और ज़्यादा, मतलब 3 वीक से भी ज़्यादा लगता है इसको सेट होने में। अरे बाप, मॉडरेट को क्या है 1 वीक और एमिनेंटली को 1 डे। हाइड्रोलिसिटी फीबली मॉडरेट एमएजी कुछ नहीं। यूज़ जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका यूज़ हम करते हैं साधारण कार्यों में नॉर्मल, और हम मॉडरेट क्या करते हैं फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मेसनरी वर्क, सुपीरियर टाइप के मेसनरी वर्क में, और इसका एमिनेंटली का यूज इन वेरी डैम प्लेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट। हाइड्रोलिक लाइम का उपयोग चिनाई कार्यों में मोर्टार बनाने के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मोर्टार के लिए कौन सा लाइम हम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। क्वेश्चन नंबर 3, पुअर लाइम इस लाइम को अशुद्ध चूना यानी इम्प्योर लाइम या लीन लाइम के नाम से भी जानते हैं। पुअर लाइम जो होता है उसको इम्प्योर लाइम भी कहते हैं और लीन लाइम से भी कहते हैं। इस लाइम में क्ले की मात्रा 30% से भी ज़्यादा होती है, जो क्ले कंटेंट होता है उसमें 30% से भी ज़्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोलिक में कितना था, 5 से 30% था। 5 में 30% में कौन कौन सा था, फीबली था, मॉडरेट था और एमिनेंटली था। ठीक है, इसमें क्या, इसलिए यह लाइम पानी में सॉल्यूबल नहीं हो पाता है और इसकी स्लेकिंग एक्शन बहुत स्लो होती है, इसलिए यह लाइम उपयोग में नहीं लाते हैं। तो पुअर लाइम होता है, मिस्टेक का यूज नॉट यूज दिस। ठीक है, नॉट यूज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू IS 712 के अकॉर्डिंग जो हम लाइम को क्लासिफाइड करते हैं 1984 थर्ड डिवाइज IS 712 के अनुसार 6 ABCDEF। ठीक है, ए में क्या आता है, एमिनेंटली हाइड्रिक लाइम आता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको। और क्लास बी में सेमी हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर मेसनरी मोर्टार लाइम प्लास्टर अंडर कोटिंग। ठीक है, क्लास सी में फैट लाइम आता है यूज फॉर वाइट वॉशिंग प्लास्टर वर्क एंड पेंटिंग वर्क। और क्लास डी में मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम यूज फॉर वाइट, इसका भी वाइट वॉशिंग में भी कर देते हैं प्लास्टर वर्क। कंकड़ लाइम जो होता है यूज फॉर मेकिंग मेसनरी मोर्टार में। और एफ सिलिशियस डोलोमाइट लाइम यूज फॉर अंडर कोट एंड फिनिश कोट ऑफ प्लास्टर। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम में जो फैट लाइम होता है उसका जो स्लेकिंग एक्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है और हाइड्रोलिक लाइम का बहुत स्लो होता है। इसका सेटिंग एक्शन क्या है, वायु की उपस्थिति में स्लो सेटिंग होती है और डैम प्लेसेस पर भी सेट हो जाता है। हाइड्रोलिसिटी इसमें नील होती है, इसमें हाई होती है, इसमें हाइड्रोलिसिटी होती ही नहीं है और हाइड्रोलिक लाइम में हाइड्रोलिसिटी होती है। कलर क्या है, परफेक्टली वाइट नॉट परफेक्टली वाइट। स्ट्रेंथ नॉट गुड इन स्ट्रेंथ, गुड इन स्ट्रेंथ, हाइड्रोलिक लाइम स्ट्रेंथ में गुड होता है इसीलिए हम उसका मेसनरी वर्क में हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑप्टेन फॉर प्योर लाइम, ये प्योर लाइम से होता है और ये कंकड़ से, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम कंकड़, कंकड़ से ये क्वेश्चन पूछा है किसे होता है, हाइड्रोलिक लाइम, और प्योर लाइम से फैट लाइम। अब इसका यूज़ क्या है फैट लाइम का, फैट लाइम को पता है वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग, ये वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार। ठीक है, और हो सकता है प्लास्टर वर्क या पेंटिंग वर्क पूछ दे। और यूज फॉर मेकिंग ऑफ मेसनरी वर्क में हाइड्रोलिक लाइम हम यूज़ करते हैं, क्या, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, लाइम में यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए मैं लाइम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमने बताया था आपको मोटार भी हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो मोटार क्या है, ये एक ऐसा मिक्स जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट और लाइम तथा फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड और सुरखी और को मिलाते हैं और पानी वानी मिला के मोटार तैयार करते हैं। ठीक है, तो भैया तो अब सैंड क्या है, मोटार बनाने के लिए सैंड अलग अलग तरीकों से प्राप्त होती है, पिट सैंड होती है एक, एक रिवर सैंड होती है, एक सी सैंड होती है। ठीक है, सी सैंड का हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। और पिट सैंड क्या है, यह सैंड ग्राउंड लेवल से 1-2 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर प्राप्त की जाती है और पिट से प्राप्त सैंड शार्प एंगुलर ग्रेन से मिलकर बनी होती है। और यह सैंड सिल्ट, सैंड सॉल्ट, जो सैंड सॉल्ट और दूसरे हानिकारक तत्वों से फ्री होती है। ठीक है, पिट सैंड। नेक्स्ट रिवर सैंड, जो मतलब नदियों के किनारे या उसके तलों पर जो मिलती है उसे हम रिवर सैंड कहते हैं। ठीक है, और इस सैंड का उपयोग भी लार्ज स्केल पर सभी कार्यों में किया जाता है, सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं आजकल। ठीक है, थी श्री वो सी सैंड, यह सैंड समुद्र से प्राप्त की जाती है और इससे प्राप्त सैंड के पार्टिकल्स भी राउंडेड होते हैं, क्योंकि इसके भी राउंडेड होंगे, रिवर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी राउंडेड होते हैं, राउंडेड, और सी सैंड के भी राउंडेड होंगे। लेकिन इस सैंड में लार्ज अमाउंट में सॉल्ट उपस्थित होता है, क्योंकि सी सैंड है तो सी में सॉल्ट होता है, सॉल्ट सबसे ज़्यादा मतलब उपस्थित रहेगा, जिसके कारण मोटार की जो सेटिंग टाइम होती है वो बढ़ जाती है तथा सॉल्ट एटमोसफियर से हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होने के कारण
मॉइस्चर सोख लेता है, जिसके कारण स्ट्रक्चर में डैम्पनेंस या इल्फ्लुएंस दोष उत्पन्न हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में डैम्पनेंस या इल्फ्लुएंस दोष उत्पन्न हो जाता है। जितना हो सके इस सैंड का उपयोग हम नहीं करें, मतलब नहीं किया जाता। और क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, फाइन सैंड, कोर सैंड एंड ग्रेवल की सैंड होती है, ठीक है, आपको पता है। फाइन सैंड होती है जो 1.5 फीट 75 mm सीप से पास हो जाए, फाइन सैंड कहलाती है। और इस सैंड का प्रयोग प्लास्टर वर्क, जो पतली पतली बालू होती है, तो उसका हम क्या प्लास्टर वर्क में यूज़ करते हैं ना, तो प्लास्टर करते हैं तो पतली बालू का यूज़ करते हैं। लाल होती है और एक ब्लैक होती है, ठीक है, मुरम जिसे बोलते हैं हम लोग, एक सैंड होती है। और कोर्स क्या है, ऐसी सैंड सैंड जो 3.715 सीप से पास हो जाए, कोर सैंड कराती है। इसका यूज़ मैसोनरी में करते हैं, किसमें, मैसोनरी में, चिनाई में करते हैं। और ग्रेवल सैंड को हम कंक्रीट वर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बल्किंग ऑफ सैंड का क्वेश्चन आता है। तो बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम बल्किंग होती है फाइन पार्टिकल्स में, और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 5% पर मैक्सिमम बल्किंग होती है। कितने पर, 5% पर, 4% भी लेते हैं, ऑप्शन में 4 रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और बल्किंग क्या है, मैक्सिमम यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर, बल्किंग होती है पानी की यूनिक वैल्यू होती है अधिकतम, ठीक है। वेट एंड पार्शियल सेचुरेटेड है, और ये सेचुरेटेड है, ये कुछ नहीं है। परसेंटेज ऑफ बल्किंग, ये एक फॉर्मूला है, बल्किंग ऑफ वो कितने परसेंट बल्क हो रही है, तो उसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्शियल सेचुरेटेड सैंड, जो पूरी तरीके से सेचुरेटेड नहीं है सैंड, मतलब आधी से, मतलब आधी सेचुरेटेड है और आधी नहीं है, तो उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सैंड, पूरी सेचुरेटेड सैंड जो है उसका, उसका वॉल्यूम, और जो कम सेचुरेटेड है उसका वॉल्यूम, अपॉन जो पूरी सेचुरेटेड है, मतलब पार्शली सेचुरेटेड सैंड माइनस सेचुरेटेड सैंड डिवाइड बाई सेचुरेटेड सैंड, ये बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला है। परसेंट में करेंगे तो इंटू 100 मार देते हैं। फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार, मतलब मोटार में सैंड का क्या फंक्शन रहता है। मोटार में सैंड का मेन कार्य इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना तथा मोटार में श्रिंकेज को रिड्यूस करना होता है। जब मोटार तैयार करते हैं तो उसमें सैंड मिलाते हैं, तो सैंड मिलाते हैं हम किस लिए है? क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए और जो श्रिंकेज होंगे उसमें वो थोड़े रिड्यूस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट, सॉरी, सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड, ठीक है। मोटार में सैंड की जगह कोयले से बनी हुई राख या स्टोन स्क्रीनिंग, बर्न के लिए और सुर्खी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा सब्सटेंस सुर्खी होती है। मोटार में सैंड की जगह सुर्खी का उपयोग करने पर मोटार की स्ट्रेंथ और हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यह मॉइस्चर से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, इसलिए हम सुर्खी से बने हुए मोटार का उपयोग एक्सटर्नल वर्कों में नहीं, इंटरनल वर्कों में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क के लिए नहीं किया जाना चाहिए, प्लास्टर जो बाहर करते हैं हम लोग दीवारों के उस पर नहीं, बल्कि अंदर के जो होते हैं प्लास्टर उसमें हम सुर्खी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो बारिश बारिश होगी तो मॉइस्चर से क्या होगा, अफसोस वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक्सटर्नल नहीं करते, इंटरनल इसका यूज़ कर लेते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, मोटार को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाइड किया है, बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग, काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड स्पेशल मोटार। अब बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या, हैवी और लाइट होगा। देखिए बल्क डेंसिटी में अकॉर्डिंग टू मैं हैवी वेट मोटर एंड लाइट वेट मोटर। हैवी वेट क्या है, जिसका डिस्क की डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या उससे ज़्यादा हो, तो हैवी वेट मोटर कहलाता है। और लाइट वेट में 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम। इस मोटर को बनाने के लिए हैवी क्वार्ट्ज सैंड का उपयोग करते हैं। किसका इसको उपयोग करते हैं, हैवी क्वार्ट्ज सैंड। और इसको बनाने के लिए पोरस सैंड का या क्यूबिक सैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग, लाइम मोटार में लाइम यूज़ करेंगे, सीमेंट मोटार में सीमेंट यूज़ करेंगे, और जिप्सम मोटार में जिप्सम एंड गेज मोटार में गेज, ठीक है। गेज मोटार को बनाने के लिए सीमेंट प्लस लाइम प्लस सैंड का उपयोग किया जाता है, और इस मोटार में सीमेंट का उपयोग करने के लिए इसे 1-2 घंटे में उपयोग में ले लेना चाहिए। अगर रखा रहेगा तो ये अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देता है, मतलब फिर वो प्लास्टिसिटी नहीं बचेगी उसमें, जब प्लास्टिसिटी नहीं बचेगी तो वैसे जमने लगेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका यूज़ करने का, समझे। कुछ स्पेशल टाइप के भी मोटार बनते हैं, जैसे फायर रेजिस्टिंग मोटार, लाइट वेट मोटार, साउंड प्रूफ मोटार, एक्सरे पैकिंग। फायर रेजिस्टिंग मोटार जहाँ मतलब के लिए एल्यूमिनियम सीमेंट और फायर ब्रेक से पीसी हुई सैंड का उपयोग किया जाता है। इनका मिक्स रेशियो 1:2 लिया जाता है, और इस मोटार में उपयोग फायर प्लेसेस, किल्न, फर्नेस, बॉयलर में किया जाता है, ठीक है। एंड लाइट वेट मोटार, इस मोटार को बनाने के लिए लाइम या सीमेंट
मोटर या सॉडस्ट, वुड डस्ट, एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग किया जाता है। यह मोटर किसी भी स्ट्रक्चर को साउंड प्रूफ या हीट प्रूफ बनाने में भी काम आता है। जो लाइट वेट मोटर है, ठीक है, साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने में काम आ जाता है। नेक्स्ट है पैकिंग मोटर। किसी भी स्ट्रक्चर में लीकेज को रोकने के लिए या स्ट्रक्चर को वाटर प्रूफ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ, साउंड प्रूफ मोटर क्या है? इस मोटर का उपयोग किसी भी स्ट्रक्चर को साउंड प्रूफ बनाने के लिए करेंगे। सबको पता है क्योंकि नाम से ही साउंड प्रूफ पता चल रहा है। और इसकी जो डेंसिटी होती है 6 से 12 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगी, ठीक है। और इस मोटर में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में ओपीसी, लाइम, जिप्सम या स्लैग का मिश्रण किया जाता है। और फाइन एग्रीगेट के रूप में प्यूमाइट या सैंडर यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट लास्ट एक्सरे, इसे बेरियम प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। एक्सरे को किससे कहते हैं लोग? बेरियम प्लास्टर। इस मोटर में डेंसिटी 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, सॉरी इसकी भी डेंसिटी होगी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। और यह मोटर एक्सरे रूम की दीवारों पर उपयोग में लाया जाता है। कहाँ? एक्सरे रूम की दीवारों पर, ठीक है। चलिए, ये हमारा मोटर और लाइन यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। लाइन से देखिए, लाइन इतना कम क्यों था? इसलिए था क्योंकि लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं। और जब हम एमसीक्यू जो पुटअप होते हैं, ठीक है, वो देखना, अभी जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।